नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हबीबगंज दानापुर हबीबगंज दिवाली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की, जिसका ट्रेन नंबर है 01647 और 01648। हाल ही में इस ट्रेन को ग्वालियर भिंड इटावा कानपुर के रास्ते से निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर इटावा रेल मार्ग जो हाल ही में इलेक्ट्रीफाइड रूट हुआ है, इस नए इलेक्ट्रीफाइड रूट पर इस गाड़ी का संचालन किया जाएगा। आज हम इसी ट्रेन की बात करेंगे, इस गाड़ी के चलने का समय, इस गाड़ी को किस किस स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। दोस्तों, यह गाड़ी इस पूरे सफ़र के दौरान दोनों दिशाओं में गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, इटावा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जंगई, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर भी ठहराव लेगी। दोस्तों, रेलवे द्वारा दिवाली और छठ पूजा के मद्देनज़र स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी हबीबगंज से दानापुर के लिए दोपहर 3:30 बजे और वापसी में दानापुर से हबीबगंज के लिए रात 10:50 पर चलेगी। हबीबगंज से दानापुर के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन 3+3 फेरे लगाएगी हबीबगंज से 2 नवंबर, 5 नवंबर और 11 नवंबर को, और दानापुर से 3 नवंबर, 6 नवंबर और 11 नवंबर को चलेगी। यह गाड़ी 1 सेकेंड AC, 2 थर्ड AC, 14 स्लीपर क्लास, 4 जनरल क्लास और 2 SLR/D सहित 23 कोचों के साथ चलेगी। दोस्तों, हाल ही में कोटा से दानापुर के लिए भी ग्वालियर इटावा होते हुए दिवाली स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय हुआ है। और दोस्तों, रेलवे की तरफ से कोटा इटावा एक्सप्रेस को चलाने का फिलहाल कोई निर्देश नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लाते रहते हैं। हम मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।